हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपा जी का कोट है 1968 मुकंद को पत्र। एवरी डिसाइपल शुड ऑलवेज रिमेन बिजी इन सम वर्क फॉर कृष्णा। वी शैल नॉट अलाउ टू रिमेन वेकेंट आवर माइंड। And if the mind is always filled up with Krishna consciousness activities, there is no chance of Maya to sit on the mind and force us to act under her spell. इसका हिंदी में अनुवाद है, प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। हरे कृष्णा। अंजी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये एक बहुत अच्छी श्री प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है और उन्होंने अपने इस्कॉन की स्थापना के बाद लगभग 11 साल 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई और 1977 तक प्रभुपाद जी इस प्लैनेट पर रहे। उन दिनों उन्होंने इसको रिलीजियसली प्रैक्टिकल करके दिखाया। 1968 में ये पत्र लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिसाइपल को खाली नहीं बैठने देना चाहते। अंग्रेजी में कहावत है, an idle brain is devil's workshop। तो यदि हमारा मन दिमाग खाली है तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते। तो प्रभुपाद जी ने इतने कार्य दिए भक्तों को करने के लिए कि उनके लिए 24 घंटे दिन में कम पड़ते। उस 11 साल की अवधि में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए और उन दिनों मंदिर जो विदेशों में खासतौर पर बनते थे वो भक्त स्वयं उनका निर्माण करते। पहले सब गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है जो प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड किया गया था। उसमें भक्तों ने अपने आप उसकी कंस्ट्रक्शन की, नो आउटसोर्सिंग, कि भाई पैसे बहुत हैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कर दो, ऐसा नहीं होता था उन दिनों में। 80 से अधिक प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी। अब किताबों प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में बोलते थे, उसको ट्रांसक्राइब करना भक्त करते थे, तो फिर प्रूफ रीडिंग छपना ये सारा काम। 2 महीने में 17 वॉल्यूम चैतन्य-चरितामृत के छपे। कितने फार्म हाउसेस थे, रेस्टोरेंट्स थे और इन सब में भक्त स्वयं काम करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त डिसाइपल जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं वो कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहे। ये परंपरा हमारी गोलोक से आती है। गोलोक में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, उनकी सेवा के लिए सखियां हैं ललिता विशाखा आदि, और सखियों की सेवा के लिए उनके हेल्प के लिए असिस्टेंस के लिए मंजरियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, राग मंजरी इत्यादि, और उनकी सहायता के लिए किंकरीज है। किंकरी का मतलब है वन हु इज ऑलवेज रेडी टू गेट सर्विस। किम करोमी किम करोमी किम करोमी, मुझे कोई सेवा दीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो दिस इज अवर परंपरा। और हमारे जो आचार्य हैं, सेवा के आचार्य हनुमान जी, उन्हें लंका में भेजा गया सीता जी की खबर लेने के लिए, लेकिन वो केवल सीता जी की खबर लेकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं रावण से मिलता हूँ, उसको समझाता हूँ। रावण के पास
वो बंद कर चले गए अपनी इच्छा से। रावण ने पूछो कौते कपि तुम कौन हो बंदर। हनुमान जी सोचने लगे इसने मेरा बड़ा अजीब प्रश्न पूछा है, यदि राम के बारे में पूछता तो मैं राम कथा कई घंटे कह सकता था। उसने सोचा और राम ने प्रेरणा दी, उन्होंने कहा दासो अस्मि कौशलेंद्रस्य, कि मैं कौशलाधीश भगवान राम का दास हूं। रावण बड़े जोर से हंसा ठास किया उसने, अरे बंदर धिक्कार है तुझ पर, तू दास निकला, इतनी बड़ी सागर को क्रॉस करके आया, हमारी सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, मैं तो सोचता था तू कहीं का राजा होगा। हनुमान जी ने कहा रावण मैं तो केवल राम का दास, तू काम का दास है, क्रोध का दास है, लोभ का दास है, मत्सरे का दास है, और मैं इन सब का स्वामी हूं। और एक बात और सुन ले तू, कि मैं इनका स्वामी कब बना, जब मैं राम का दास बना। तेरी भलाई इसी में है कि राम की शरण ग्रहण कर ले। उसने शरण ग्रहण नहीं की, नहीं करनी थी, उनकी पूछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव, किम करोमी। तो केवल जो उन्हें काम दिया गया था उससे संतुष्ट नहीं हुए हनुमान जी। इसी प्रकार श्री महादेन्द्रपुरी उन्हें उनके इष्टदेव मदन गोपाल जी ने वृंदावन से चंदन लाने के लिए भेजा कि तुम उड़ीसा से पुरी से चंदन लाओ। चंदन लाने के लिए चले, रास्ते में रेमुना आया, वहां क्षीर छोर गोपीनाथ जी का मंदिर। उस मंदिर में भगवान क्षीर भगवान गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर क्षीर का भोग लगता है, अमृत केली उसको कहते हैं, बड़ी मशहूर है। तो उनके मन में ख्याल आया, यदि मुझे पता लग जाए कि इसका क्या टेस्ट है तो मैं इसको फिर अपने प्रभु मदन गोपाल जी को इसका भोग लगाया करूंगा, एक्स्ट्रा सर्विस, प्रोएक्टिव। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अभी तो ये भगवान को भोग भी नहीं लगा इसका, और मैंने इसे खाने की इच्छा कर रहा हूँ, नहीं उन्हें इसे ठीक नहीं लगा, वो चले गए। लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा समझते हैं। रात को जब भोग लगा उन्हें अमृत केली का, तो एक मुटकना उन्होंने छिपा लिया, मंदिर बंद हो गया। पुजारी को फिर भगवान गोपीनाथ ऑर्डर करते हैं कि मैंने एक मुटकला खीर का चुराया है, मेरा एक भक्त है महादेन्द्रपुरी मार्केट में है, तुम उसके जाकर दे के आओ। वैसे ही किया गया, तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए इसलिए उनका नाम पड़ा क्षीर चोर गोपीनाथ। तो महादेन्द्रपुरी ने उस सेवा की इच्छा की, ये लीला हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हरिदास ठाकुर वो 300,000 नाम भगवान के प्रतिदिन लेते थे। एक रामचंद्र खान का व्यक्ति था, उनसे ईर्ष्या करता था, उसने उनके पास एक वेश्या भेजी उनको गिराने के लिए। हरिदास ठाकुर जानते थे, उन्होंने कहा कि उसको तुम रोको, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पहले मैं अपना जप कर लूं, मेरा नियम है इतनी माला जप करने का। तो पहली रात रुकी, हरिदास ने कहा कि मेरा जप पूरा नहीं हुआ, तुम कल आना। 3 दिन वो रुकी इस प्रकार, लेकिन हरिदास हमेशा जप में लगे रहे। और 3 दिन के बाद जब उस वेश्या ने हरिदास के मुख से भगवान का पवित्र नाम सुना तो वो प्योरीफाई हो गई, उनके चरणों में गिर गई, उनको कहा कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, अपनी शिष्य बनाइए। और हरिदास ठाकुर ने उसे हरि नाम दिया, उसको कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मालूम था, उन्होंने कहा। और फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए माया देवी स्वयं आई, उसने भी इस प्रकार बड़ा सुंदर रूप बनाकर आई, उसने भी इसी प्रकार की चेष्टा की। हरिदास ने कहा तुम रुको, मेरा नियम है, मैं आला कर लू फिर तुम्हारे से बात करूंगा। माया देवी भी 3 दिन तक प्रतीक्षा करते। तो कीर्तनीय सदा हरि, हरिदास ठाकुर के पास फालतू की चीजों के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। माया देवी भी उनसे क्षमा याचना करने लगी और उनसे हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लेकर गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भक्त भगवान से संबंधित एक्टिविटीज में लगे रहते हैं तो उनके मन पर, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं,
किसी प्रकार की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभुपाद जी ने करने के लिए हमें इतना बड़ा क्षेत्र दिया है, सारे विश्व को हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है, कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, इसके लिए हमारी कई लाइफ टाइम कम पड़ जाएगी। तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसका कोई प्रश्न नहीं कि हम क्या करें। देयर आर अनलिमिटेड सर्विसेज, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारा मन लगता है। हम जप अधिक नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने पहले, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सरस ठाकुर, उन्होंने 64 माला प्रतिदिन करने का नियम, महाप्रभु का भी यही नियम था। महाप्रभु कोई प्रसाद में बुलाता था तो कहते मैं तो लखपति के घर जाऊंगा। उनके भक्त सारे साधारण निर्धन थे, गरीब थे, बात करते कैसे हम इनको बुलाएंगे। उन्होंने स्वरूप दामोदर से, उनके सेक्रेटरी से बात की, स्वरूप दामोदर ने बताया कि महाप्रभु का मतलब है कि जो लोग 1,00,000 नाम रोज करते हैं, 64 माला रोज करते हैं, उनके घर महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते हैं। तो सबसे शील भक्ति सदाशिव ठाकुर ने भी यही नियम बनाया था। तो प्रभुपाद जी ने जब पहली दीक्षा दी, अपने शिष्यों को कहा कि तुम 64 माला रोज, तो शिष्यों ने ट्राई किया, नहीं हुई। उनका प्रभुपाद जी तो बहुत ज्यादा, हम नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी का ठीक है, तुम 32 माला रोज कर। 5-7 दिन बाद फिर देयर ऑल फॉरेनर्स, विदेशी आ गए, कहते प्रभु जी हम नहीं कर सकते, प्रभुपाद हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी का ठीक है, तुम 16 माला रोज करो और 8 घंटे की सेवा प्रतिदिन। सेवा में शरीर एक्टिव रहता है, मन को एक जगह रोकने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार उन्होंने 8-8-8 का फॉर्मूला दिया कि 8 घंटे हम अपने निजी कार्यक्रम करें, जिसमें सोना भी आएगा, खाना आ गया, नहाना धोना आ गया, 8 घंटे आध्यात्मिक कार्य करें, मतलब जिसमें जप आ गया, श्रवणम आ गया, रीडिंग आ गई, और 8 घंटे सेवा। इस प्रकार का उन्होंने फॉर्मूला दिया उन भक्तों को अपने समय में, और उसका परिणाम हम देखते हैं कि 11 साल में प्रभुपाद जी ने कितने मंदिर बनाए, कितनी बुक्स लिखी, फार्म हाउस। तो प्रीचिंग का जो आवर्स से प्रीचिंग मिशन, ये सारी दुनिया को प्रीच करना हमारे लिए ओपन है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभुपाद जी के पदचिन्हों में चलें। तो हम अपने अपने मंदिर के अधीन, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उनकी योजनाओं में अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, और जितना हम कर सकते हैं हम भगवान की सेवा करें। महाप्रभु भी कहते हैं, त्रिना तपि सुनिचे न तरोरि विशेष नवानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम का कीर्तन हमेशा करना है, इसका मतलब है भगवान, मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हर प्रकार की सुविधा हमें दी है इस कार्य के लिए। यदि हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो प्रभुपाद जी कृपा हमें मिलेगी और उसमें हमें सफलता भी मिलेगी। तो हम जो मिनिमम का है, 16 माना जप, 4 नियमों का पालन करते हुए सेवा के लिए जितना हो सके हम समय निकालें, इससे हमारा मन भगवान की भक्ति में और अधिक जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत सुंदर मैसेज था कि में 24 आवर्स अपने माइंड को भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, उसी से हमारा जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज का होली नेम का वर्स है चैतन्य चरतामृत से अंत लीला 7.11।